तो क्या इस मोर्चे का कोई नेता भी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये चुनौती विपक्ष को दे रही है कि भाई आपके पास नेता कौन है, हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, आपके पास नेता कौन है? और अगर ऐसा होता है तो कौन नेता होना चाहिए, या नेता होना जरूरी भी है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि नेता होना, नेता की घोषणा करना जरूरी है। देखिए, बिना घोषणा किए हुए भी जो इस गठजोड़ की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस होगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस इस गठजोड़ की सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो कांग्रेस का नेता ही इस गठजोड़ का सबसे बड़ा नेता होगा। लेकिन अगर वो कूद कूद के स्वयं को कहना लगे कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। दूसरे, कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो सोचती भी होगी, कोई हम इतने काबिल नहीं है कि कांग्रेस को सुझाव दे सकें कि आप कैसे करें। वो लोग हमसे ज्यादा समझदार और काबिल हैं, कोई भी, हम बता तो ना सकते हैं किसी को भाई कि वो चुनाव कैसे लड़े हैं। जी जी, नीतीश कुमार को थोड़ा सलाह दे सकते हैं, हम तो आपसी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को पता है कि 188 सीटें ऐसी हैं देश में जहां वो सीधे सीधे भाजपा के मुकाबले खड़ी हुई है। इन 188 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई, बावजूद इसके उसमें बहुत सी सीटों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत चुकी थी, फिर भी उसकी बहुत पिटाई हुई थी। इतनी असाधारण पिटाई हुई थी, भाजपा ने मेरे ख्याल से 95% सीटें जीत ली थी इसके अंदर। तो कांग्रेस की पहली जिम्मेदारी यह है कि 188 सीटों में जहां पर कोई दूसरी शक्ति है नहीं हस्तक्षेप करने के लिए, वहां पर वो राहुल गांधी को या किसको चाहे नेता बनाकर दबदबे के साथ चुनाव लड़े और भाजपा को उस तरह की जीत ना हासिल करने दे जैसी जीत भाजपा ने पिछले पहले हासिल कर ली थी। वो कम से कम भाजपा से 45-50% सीटें तो वहां से छीने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को वो उतना ही हरा दे इतना पिछली बार खुद हारी थी, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भाजपा से इतनी सीटें वो छीने ना, 25% सीटें 30% 40% कुछ तो। अगर कांग्रेस 188 सीटों पर भाजपा से फिर दोबारा इसी तरीके से हार गई तो विपक्ष की एकता का फायदा क्या होगा? बिल्कुल। एक और बात इसमें जोड़ दूं, पिछली बार चूंकि कोई विपक्ष की एकता वगैरह थी नहीं, तो कोई केमिस्ट्री नहीं थी भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। अब एक बार जब ये नजारा होगा कि भाई 300+ सीटों पर भाजपा को सीधी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, तो जो अंकगणित है उसके पक्ष में धीरे धीरे करके एक हवा भी बनेगी, एक केमिस्ट्री भी बनेगी, तो उसका वो भी हम उसके बारे में अभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वो केमिस्ट्री कैसी होगी। तो आपके कहने का मतलब ये कि कांग्रेस या जो विपक्ष है या विपक्षी एकता है, उसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार ना भी पेश करे तो भी चलेगा? मेरे ख्याल से कुछ चलेगा, और वैसा करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पेश नहीं कर, जहां अब जैसे कांग्रेस जिन इलाकों में वहां कांग्रेस कह सकती है कि भाई हमारे पास, हम लोग जीते तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, कहती रहेगी कांग्रेस वहां पर। अब कांग्रेस उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस बहुत सी पार्टियों में से एक पार्टी है और उसका उसकी दावेदारी भी छोटी है, जैसे बिहार है मान लीजिए, उत्तर प्रदेश है, अब वहां अगर वो कहने लगे कि हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री वगैरह, तो कैसे काम चले? इस विपक्षी एकता की कोशिश के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर विपक्षी एकता हो गई, मजबूत हो गई, तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है? बिल्कुल एहसास है, और वो उसी एहसास के तहत अपनी सारी पेशबंदी कर रहे हैं। जिस तरीके से ये दोनों बड़ी पार्टियां तोड़ी गई हैं, इनके पीछे एक लंबी डिजाइन है, एक दूरगामी डिजाइन है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में हम अपना महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सीटों की लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है, और अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यहां से सीटें छिन गई, 40 सीटें बिहार में है, वहां अगर सीटें छिन गई वहां पर, तो दोनों मिलाकर 88 सीटें तो नहीं दोनों प्रांतों में है, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भाजपा चाहती है कि वहां जितना अपना नुकसान वो न्यूनतम कर सके करें। भाई पिछली बार तो बिहार में बहुत लगभग सब सीटें जीत ली थी इन्होंने, वहां पे आप महाराष्ट्र में भी सूपड़ा साफ कर दिया था विपक्षियों का, तो अगर वैसा दोबारा ना दोहरा पाए तो कम से कम अपना नुकसान जो हो न्यूनतम हो, ये वो कोशिश कर रही है भाजपा, और वो जानती है कि इस बार उसे कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के ज्यादा बेहतर इंडेक्स का सामना करना पड़ेगा। इस बार 2019 वाली वो सुविधा भाजपा को प्राप्त नहीं होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले दिनों अपने आप को पेश किया है और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है, वो इस विपक्षी एकता के एक स्वाभाविक नेता के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये चाहेगी कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाए ये चुनाव?
देखिए भाजपा तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन विपक्षी एकता के कई नेता होंगे मैं ये मानता हूं, और उसी रूप में विपक्षी एकता सफल भी हो सकती है। राहुल गांधी उन नेताओं में एक महत्वपूर्ण नेता होंगे, और हर नेता के पास जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान पहुंचाए। अब भाजपा राहुल गांधी को सब लोग नेता मान लें और राहुल गांधी 188 सीटों में कोई करामात ना दिखा पाए तो सबके नेता मानने का फायदा भी क्या होगा? क्यों कांग्रेस की जो सीटें आएंगी, अगर कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है और उस सरकार का एंकर बनना चाहती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को 150 से ऊपर सीटें जीतनी पड़ेगी ना। क्या कांग्रेस 45-50 सीटें जीत के थोड़ी ना सरकार बना पाएगी, उसे 150 से ऊपर सीटें जीतनी पड़ेंगी। 150 ऊपर सीटों का ज्यादा बहुत बड़ा हिस्सा इन 188 सीटों में से आएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।